नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को आर स्क्वायर डीएनए क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर अतिशन मिश्रा। आज की क्लास में हम ग्लोबिन फैमिली और प्रोटीन के बारे में देखेंगे, ये कितने टाइप्स का होता है, और फिर आगे जाके मायोग्लोबिन पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ये एक ट्री है, फैमिली ट्री है ग्लोबिन का, और ये यहाँ से एक सिंगल चेन है ग्लोबिन का। वो आगे जाके जहाँ पे आप ब्रांच देख रहे हो वहाँ पे इसका डुप्लीकेशन होता है, और डुप्लीकेशन होने के बाद वो उसमें म्यूटेशन होने से जहाँ जहाँ ब्रांचिंग है वहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ है। उसके बाद जो ब्रांचेज होता जाता है उसमें कुछ म्यूटेशन होता है जिससे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का वो ग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, जैसे अल्फा और बीटा सब यूनिट है, यहाँ तक तो कॉमन था, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ, कुछ म्यूटेशन हुआ, तो ये अल्फा सब यूनिट हो गया, ये बीटा सब यूनिट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी डुप्लीकेशन हुआ और ये मायोग्लोबिन बन गया। मायोग्लोबिन में सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि आपके हेमोग्लोबिन में आपका दो अल्फा सब यूनिट होता है, दो बीटा सब यूनिट होता है, तो चार होता है। और ये आपका रिफरेंस। अब इनका जो है चार टाइप का होता है इनका क्लासिफिकेशन। पहला है हेमोग्लोबिन, दूसरा मायोग्लोबिन, तीसरा साइटोग्लोबिन, फिर न्यूरोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन है वो आपका आरबीसी में, और ये स्केलेटल मसल्स में, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल लिनिएज में, और ये न्यूरॉन्स में होता है। ये न्यूरॉन को आपको हाइपोक्सिया कंडीशन में आपके नर्व टिश्यू को ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये भी इसका हाइपोक्सिया में प्रोटेक्शन काम है, पर इसका फंक्शन अभी उतना डिफाइंड नहीं हुआ है। मायोग्लोबिन एक तरह से आपके मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करता है, और ज़रूरत पड़ने पर ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन देता भी है, ब्लड स्ट्रीम से ये ऑक्सीजन लेता है हेमोग्लोबिन से। तो इसका एफिनिटी ज़्यादा होता है ब्लड के एज कम्पेयर टू हेमोग्लोबिन। और आयरन इसका एक एक देखिए कि आयरन एटम कोऑर्डिनेशन, इसमें पांच कोऑर्डिनेशन होता है, पेंटा कोऑर्डिनेशन, हेक्सा कोऑर्डिनेशन और हेक्सा कोऑर्डिनेशन। ऑक्सीजन फैमिली P50 इंटर डिफरेंट डिफरेंट इसका रहता है। ऑक्सीजन एफिनिटी सबसे ज़्यादा इसका दिखाया है, फिर 1-1 बताया इसका। ये इसलिए इसका इतना दिखाया कि इसमें कोऑपरेशन मेथड होता है, मतलब एक चार बाइंडिंग स्टेट होता है हेमोग्लोबिन में, लेकिन जैसे एक से बाइंड करोगे दूसरे कैपेसिटी बढ़ जाता है दूसरे साइड से बाइंड करने का। फिर जीन लोकेशन, डिफरेंट जीन लोकेशन क्या क्या है, जैसे में 14 था, इसमें 17, इसमें 22, इसमें 16 और 11। जीन आईडी हो गया, और ये इनका डिफरेंट डिफरेंट, सबसे पहले इसका यहाँ मान के चलिए कॉमन एंसेस्टर मान के चलो, सबसे पहले ये न्यूरोग्लोबिन बना, फिर यहाँ पे देखो मायोग्लोबिन और साइटोग्लोबिन, और फिर हेमोग्लोबिन। एक तरह से इवोल्यूशन हो गया। ये जीन फैमिली है वही चीज़ जो हमने अभी बताया। मोस्ट ग्लोबिन फंक्शन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ऑल थ्रो सम आर इन्वॉल्व इन द सेंसिंग ए गैस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और डिफरेंट हमने डिस्कस कर ही रखा है कि क्या क्या फंक्शन है। इवोल्यूशन जो होता है, अब हेम ग्रुप की, अभी तक हम ग्लोबिन प्रोटीन की बात कर रहे थे, अब हेम ग्रुप की हम इवोल्यूशन देखेंगे। हेम क्या होता है कि जैसे कि मॉलिकुलर ऑक्सीजन होता है वो आपका स्लाइटली सोल्यूबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और इट कैन नॉट बी कैरेड टू टिश्यू इन सफिशियंट क्वांटिटी इफ इट इज सिंपली डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द टिश्यू इज ऑल्सो इन इफेक्टिव ओवर डिस्टेंस ऑफ ग्रेटर देन ए फ्यू मिलीमीटर्स। फॉर दिस रीजन द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज मल्टी सेलुलर एनिमल डिपेंडेंट ऑन इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन दैट कुड ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन एंड स्टोर मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टिल समथिंग अदर देन ए प्रोटीन पर इज नीडेड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एज नन ऑफ द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कैन बाइंड ऑक्सीजन वेल। इट इज थॉट दैट दिस नीड लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द बॉन्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप नोन एज हीम विच इज फंक्शनल इज रिवर्सिबल ऑक्सीजन बाइंडिंग। तो हीम का आगे जब ये अमाइनो एसिड उतना सही से बाइंड नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए आपको हीम ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम हीम के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे इन्होंने जैसे कि बताया कि ऑक्सीजन जो होता है ना वो स्लाइटली सोल्यूबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और ये ज़्यादा दूर तक ये जाएगा भी नहीं, प्लाज्मा में डिजॉल्व कर, इसके लिए कैरियर की ज़रूरत होती है। उस कैरियर का काम कौन करता है, हीम करता है। और हीम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपका टोटल हीम ग्रुप है, इसको पोरफायरिंग रिंग
भी कहते हैं। ये पोरफायरिंग रिंग से जब आयरन जुड़ जाता है तो उसको हीम कहते हैं। पोरफायरिंग रिंग में आयरन नहीं होता है। और यहाँ पे देख लो, ये पैरोल है, ये पैरोल है, ये पैरोल है, ये पैरोल है, चार पैरोल मिथीन जो होता है ना, ये मिथीन ग्रुप है, इससे जुड़ा रहता है आपस में पैरोल। और आयरन एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसकी तरह यहाँ पे बिहेव करता है। प्लेन में ये चार पैरोल रिंग से जुड़ता है, एक ऊपर जो होता है ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ता है, और एक नीचे ऑक्सीजन से, और ऊपर जो होता है वह हिस्टिडीन से जुड़ जाता है। तो ये टोटल अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा करता है। आगे इसमें हम देखेंगे कि ये किस स्टेज में रहता है। अभी तक जैसे कि बोला गया, ज़्यादातर पढ़ाते हैं कि आयरन जो होता है ये Fe2 स्टेट में होता है, तभी Fe2 प्लस स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तभी ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगा। लेकिन कहीं बहुत ये बात विवाद की बात है। उससे पहले एक और यदि हम साइड व्यू देखें, ये मान के चलिए पोरफायरिंग रिंग का स्ट्रक्चर है, और ये इस साइड हिस्टिडीन जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ये आपका पोरफायरिंग रिंग का प्लेन है। तो एक जो अभी डिबेट का विषय बना हुआ रहता है हमेशा, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आयरन का F2 कंडीशन होता है कि F3 स्टेज होता है। क्योंकि जब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो उसमें जो उनको फाइंडिंग मिला उसमें सुपर ऑक्सीडेज की प्रेजेंस मिला, कि यहाँ का जो इस दो बॉन्ड के बीच का जो आपका वाइब्रेशन एनर्जी नोट करते हैं इंफ्रारेड में, तो वो जो मैच किया ना वो सुपर ऑक्सीडेज किया, ना कि डाइऑक्सीजन से। तो कोई तो कहता है कि F3 स्टेज में बाइंड करता है, कोई कहता है F2 स्टेज में बाइंड करता है। एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है और इतना बड़ा रिसर्च होता रहता है इस विषय में, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं बता पाया है। तो इस पे भी यदि कोई आगे PhD करना चाहे तो ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में 153 अमाइनो एसिड्स होता है, और उसमें जो है आपका देख सकते हैं कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में आपका हेम ग्रुप रहता है, और हेम जो है ऑक्सीजन से बाइंड करता है, और दो हिस्टिडीन से ये बाइंड करता है। एक हिस्टिडीन तो डायरेक्ट बाइंड करता है इसके आयरन से, दूसरा ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड करता है। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर जब तक मेंटेन रहता है तभी उसका फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर जैसे डीनेचर होगा तो फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर। तो ये भी एक प्रोटीन का खास ये प्रॉपर्टीज होती है। एनालिसिस ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग टू मायोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन कितना बाइंड करता है मायोग्लोबिन से, ये हम आगे गर्व कर्व से समझेंगे। और ये जो थीटा होता है कि कितने ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से बाइंड कर चुका है और कितना खाली है, इसके रेशियो को हम थीटा कहते हैं से, ठीक है। आगे हम देखते हैं ग्राफ कि ये आपका ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, और ये इसका सेचुरेशन कर्व है। और यहाँ पे देखेंगे थोड़े से ही अमाउंट में ये 50% बाइंड कर लेता है। जहाँ पे 50% बाइंड कर ले उस कंसंट्रेशन को P50 कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखा गया है कि जैसे हिल कोफिशियंट भी होता है, कि हिल कॉन्स्टेंट जो होता है इसमें मायोग्लोबिन में 1 होता है, क्योंकि इसमें कोऑपरेशन बाइंडिंग नहीं होती। वहीं हेमोग्लोबिन 2.8 हिल कॉन्स्टेंट होता है, तो उसमें ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि वहाँ पे जैसे एक बाइंड किया दूसरे की बढ़ा देता है चांस उससे बाइंड करने के लिए। तो वो हम हेमोग्लोबिन पढ़ेंगे, हिल कोफिशियंट, जिसमें कोऑपरेशन होगा उसमें हिल कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा। प्रोटीन स्ट्रक्चर इफेक्ट लिगेंड बाइंडिंग, अब जैसे लिगेंड बाइंडिंग जो होता है ना वो प्रोटीन स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है, कौन सा लिगेंड बाइंड करेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कैपेसिटी ज़्यादा होता है आयरन से बाइंड करने की। लेकिन ये देखना पड़ता है कि ये यदि प्रोटीन से बाइंड है या फ्री स्टेट में है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर इफेक्ट लिगेंड बाइंडिंग, और ये आप जो देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन से एक हिस्टिडीन E7 बाइंड कर रखा है, ये F8 है जो है ये बाइंड कर रखा है। ये ओवरऑल जो मोलिकुलर लेवल पे आपका स्ट्रक्चर होता है आपके मायोग्लोबिन का, एक तरह से ये मैं हिस्ट्री दिखाना चाह रहा हूँ कि मायोग्लोबिन का कब क्या हुआ रिसर्च में। 1897 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ मायोग्लोबिन का, और इनका ये साइंटिस्ट था मॉर्नर जे डिस्कवर्ड किए थे। और फिर उसके बाद कुंथर करके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि भाई इसका नाम मायोग्लोबिन ने टर्म कॉइन किया। फिर उसके बाद ये स्टोरेज ऑक्सीजन करता है 1937 में किसी ने रिसर्च किया। फिर उसके बाद 3D मॉडल आया। फिर उसके बाद प्रपोज द हिस्टिडीन गेट
1966 में। फिर उसके बाद जोनाथन वेटरबर्ग आए, एस्टेब्लिश्ड द फैसिलिटेटेड ऑक्सीजन डिफ्यूजन फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ह्यूमन हीमोग्लोबिन जीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट हुआ। फिर विलियम सेंडर ग्रुप ऑफ इंट्रोड्यूस द स्टडी इन द फर्स्ट एम एम नोकोट मोस मॉडल पे मायोग्लोबिन को नोकोट करके फिर देखा क्या क्या, तो उसमें देखा कई सारी एबनॉर्मल मसल्स फॉर्मेशन नहीं हो पाया सही से, और कई सारी एबनॉर्मलिटीज था उस माउस में। ऐसे करके इन्होंने लगातार आगे जब बढ़ते गए, तो आजकल जो रिसर्च चल रहा है कि मायोग्लोबिन का कैंसर में रोल बता रहे हैं, ठीक है। और कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपका जो हाइपोक्सिया कंडीशन में आपका मायोग्लोबिन हेल्प करता है, और रिएक्टिव सुपर ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल है या सुपर ऑक्सीडेशन प्रोटीन डैमेज या साइटोप्रोटेक्शन, ये सब सारा काम जो होता है इस मायोग्लोबिन का होता है। और भी होता है ऑक्सीजन स्टोरेज फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एनओडी ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी, नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी, इंट्रासेलुलर कैटलिस्ट, स्यूडोपरऑक्सीडेज एक्टिविटी, ये सब सारा एक्टिविटी है मायोग्लोबिन का। फिर आप देखो इंडोजेन, ये एक बताए ट्यूमर में क्या रोल प्ले होता है, ये जो होता है आपका HIFA, ये HIF हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर होता है। यदि हाइपोक्सिया है तो ये इंड्यूस हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, इससे क्या होता है आपका ट्यूमर प्रोग्रेस हो जाता है। और यहीं पे जब आर्टिफिशियली यदि मायोग्लोबिन का ही जो कोई होता है कि जो आपको मायोग्लोबिन ज़्यादा अमाउंट में यदि डाल दिया जाए, तो उसमें यह हाइपोक्सिया कंडीशन इंड्यूस नहीं होता, डिस्टेबलाइज हो जाता है, जिसके कारण ये ट्यूमर सप्रेस हो जाता है। ये रिसर्च आजकल देखने को मिल रहा है, ये रेफरेंस है नीचे पेपर का। एक ये डिजीज होता है मायोग्लोबिन से रिलेटेड, रैबडोमायोलाइसिस बोलते हैं इसको। रैबडोमायोलाइसिस में क्या होता है कि जैसे कोई इंजरी होती है मसल्स की, तो मसल्स की जब इंजरी होती है तो मसल सेल्स ब्लड में आने लगता है, उसके साथ साथ मायोग्लोबिन भी आता है। जब मायोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ब्लड का जो फिल्टर का काम आपका किडनी करता है, तो किडनी में ज़्यादा लोड हो जाने से किडनी के सेल में भी कमियाँ आने लगती है, खराबी आ जाती है। किडनी अनेबल टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट विच रिजल्ट इन सीरियस कंडीशन नोन एज अ कीटो एसिडोसिस भी हो जाता है। तो ये इस टाइप के डिजीज को हम रैबडोमायोलाइसिस कहते हैं। और रैबडो मतलब होता है स्केलेटन, मायो मींस मसल्स, लाइसिस मतलब टूटना। तो ये इस टाइप का एक मैंने, मेरे को इंटरेस्ट लगा और इसी मसल्स में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि एक एक्ट्रेस थी अपने इंडियन सिनेमा जगत की, मधुबाला जी, उनके जो हर्ट्स थे ना, उनके हार्ट में जो वेंट्रिकल और दोनों नीचे का जो वेंट्रिकल होता है उनके बीच में जो सेप्टन होता है, उनके बीच में उनका वो पोर था, जैसे ही कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो डिफ्यूज हो जाता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो अब क्या होता है इस कंडीशन में कि वो ज़्यादा अमाउंट में लंग्स के पास ब्लड पहुँचा था, फिर ज़्यादा लंग्स में ब्लड आने से नाक से मुँह से खून फेंकने लगता था, यही डिजीज हो गया था मधुबाला जी को। और लास्ट में उनको उस समय इसका ट्रीटमेंट था नहीं, तो मौत हो गया था। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम आगे हीमोग्लोबिन पर पढ़ेंगे।